आबू रोड नेशनल हाईवे 27 हनुमान टेकरी मार्ग पार करते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं चौपहिया वाहन चालकों को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वाहन संचालकों एवं यात्रियों के जान गंवाने एवं घायल होने का आंकड़ा हर महीने बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की घटना में बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत, उससे पहले भी दर्जनों ने गंवाई जान। कल गुरुवार को हनुमान टेकरी के इस नेशनल हाईवे मार्ग पर भाग्यूरजी निवासी बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया, जिसमें बाइक चालक की मौत एवं एक सवार गंभीर घायल हो गया। कुछ महीने पूर्व इसी घटनास्थल पर निचला गढ़ के मिड़ा छापर निवासी भगराम व उसकी पुत्री ट्रक की चपेट में आए थे, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे पूर्व निचला खेजड़ा निवासी पप्पू राम पुत्र मंगला राम व उनकी पत्नी दोनों की घटनास्थल पर ही वाहन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई थी। दुर्घटना के मार्ग पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज निर्माण के लिए ज्ञापनों के अलावा नहीं कोई ठोस हुई बुलंद आवाज। पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से ज्ञापनों के जरिए पुल निर्माण की मांग की जाती रही है। पासा के हनुमान टेकरी पुजारी जी के पास पत्राचार की फाइल देखी हो तो कई अंग्रेजी और कई हिंदी टाइपिंग के ज्ञापन, जिनमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्री और पालनपुर गुजरात अहमदाबाद हाईवे तक के राजमार्ग अधिकारियों तक की गुहार लिखी हुई है। इतना ही नहीं, ज्ञापनों में सांसद विधायक एवं आबू रोड नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों की मांग ज्ञापन भी है। बताया गया है कि कई बार मौके मुआयना भी हुए पर कोई हल नहीं निकल पाया। कहा जा सकता है कि अनवरत दर्दनाक दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस आवाज बुलंद नहीं होने पर अवागमन समस्या पर समाधान की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती।